अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ रिजवाना अब्बासी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होममेड क्विक टिप्स। दोस्तों, जैसे कि सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, सर्दी हो और कुछ मीठे की बात ना हो तो बात नहीं बनती। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करूँ स्वीट डिश बनाने की। आज हम स्वीट डिश बनाएंगे, थोड़ी सी चेंज होगी, डिफरेंट होगी दूसरी स्वीट डिश से, और इसमें हम यूज़ करेंगे कैरेट मिल्क एंड ब्रेड, और इसका फ्लेवर ऐसे होगा जैसे गाजर का हलवा और रबड़ी दोनों मिक्स की जाएं तो किस तरह से आपको फील होता है। ये बिल्कुल इस तरह से होगी, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो दोस्तों चले हम बनाना शुरू करते हैं। कैरेट हाफ के जी से एक के जी तक हम ले सकते हैं। इसको मैंने पील ऑफ करके साफ़ कर दिए हैं, धो के साफ़ करके रख दिया है। हाफ कप शुगर, बटर टू स्लाइसेस मीन्स 5 स्पून, कार्डियमन पाउडर 1/4 स्पून, ड्राई फ्रूट जितना आप यूज़ करना चाहें। कैरेट को हमने शेरेड कर दिया है। अब शेरेड करने के बाद सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ करके हम इनको पका लेंगे अच्छे से। पकाने के बाद ये इस फॉर्म में आ जाएंगे। आप पकाते वक्त चाहें तो इसमें 2 कप दूध ऐड कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा पानी। अब ये इस फॉर्म में आ चुका है, मीन्स ये तैयार है। मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। अब इसका मैं एक तेल लगाऊंगी दूसरे बाउल में। इसको हल्का सा प्रेस करते हुए हमें फाइन करके एक तह लगा देनी है। ये एक लेयर मैंने लगा दिया है गाजर के हलवे का। इसको अब हम रख देते हैं साइड पे। अब चलते हैं दूसरी तरफ। मिल्क 2 कप्स, 2 कप हमने ले लिए हैं मिल्क के, उसको बाद में हम बॉईल करेंगे। 4 स्लाइसेस मैंने ले लिए हैं ब्रेड के, और उसके कॉर्नर्स मैंने निकाल दिए हैं। शुगर 6 to 7 स्पून, आप अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं अगर ज़्यादा मीठा चाहिए ये तो। कार्डियमन पाउडर 1/4 स्पून, ड्राई फ्रूट अपनी मर्जी के हिसाब से। ब्रेड के पीसेस करके मैं इनको ग्राइंड कर दूंगी। फोर स्लाइस के पीसेस करके इनको मैं ग्राइंड कर रही हूँ। ये देखिए ग्राइंड हो चुका है, अब ये हो गया है पाउडर फॉर्म में। ये इस तरह से पाउडर की तरह हो गया। अब हम चलते हैं कुकिंग की तरफ। दूध में कार्डियमन पाउडर, इलायची पाउडर मैं डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर दें। शुगर ऐड करेंगे। और मिक्स करते रहेंगे। अब वेट करेंगे जब तक थोड़ा सा मिल्क जो है वो बॉयल हो जाए। ये देखिए मिल्क बॉयल हो चुका है। अब इसमें हम ब्रेड ऐड करना शुरू कर देते हैं और उसको मिक्स करते जाएंगे। थोड़ी थोड़ी ऐड करके उसको मिक्स करते जाएं। पूरा ब्रेड इसमें डाल देंगे।
पूरा ब्रेड मैंने ऐड कर दिया है, अब इसको मिक्स करते रहना है। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता, रबड़ी के शेप में नहीं आ जाता। तब तक इसको हम मिक्स करते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद, और ये मीडियम फ्लेम पे मैंने रख दिया है। अब तब तक पकाएंगे जब तक थोड़ा गाढ़ा हो जाए। ये तकरीबन होना शुरू हो चुका है। जैसे ही मुझे फील होगा कि ये थिक हो गया है तो इट मीन्स कि ये रेडी हो चुका है। अब ये जो हमने लेयर बनाया था इसी में अब रबड़ी को ऐड कर देंगे, एक लेयर डाल देंगे। ये तकरीबन मेरा लेयर रेडी हो चुका है। इसको जब हम रखेंगे तो ये मज़ीद थिक होगा थोड़ी देर के बाद। अब इसके बाद इसके ऊपर एक लेयर गाजर के हलवे का रख देते हैं। अब ये लेयर हमें आराम आराम से स्पून भर भर के रखना है और उसका थोड़ा सा फाइन कर देना है, मिक्स नहीं होना चाहिए। अब बाकी जो मेरा रबड़ी है मैं उसको ऐड कर रही हूँ बाउल में, ताकि ये नेक्स्ट लेयर मेरा आ जाए और थोड़ी सी कलरफुल लगे। इसको आराम से स्पून से लेयर को फाइन कर दें। अब गार्निशिंग के लिए ड्राई फ्रूट यूज़ करेंगे। ये हमारी स्वीट डिश तैयार हो चुकी है। गार्निशिंग के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। मोस्टली हमारे घर में ये गरम खाई जाती है, आप इसको ठंडा करके भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए हम लोगों ने कितना मज़ेदार और लेयर वाला मीठा बनाया, दो लेयर्स इंतहाई खूबसूरत। अगर कोई गेस्ट आ जाए तो सर्व करें तो भी बहुत अच्छा लगेगा, चाय के साथ सर्व करें, इसको ठंडा करके खाएं या गर्म खाएं, दोनों सूरतों में बहुत ही टेस्टी रहता है। इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा बना। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि नई नई वीडियोस, नई नई टिप्स आप लोग देख सकें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।